ये एक हैबिट है जो आपको डालनी पड़ेगी, बट अगर वो मैच्योरिटी नहीं आई है तो आप लेकर आइए। कौन सी मैच्योरिटी? वो ये कि अगर आपकी उम्र 30 के आसपास है तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताने वाली हूँ, कुछ ऐसी गलतियां बताने वाली हूँ जो इस एज में ज्यादातर लोग करते हैं, और इन्हीं गलतियों की वजह से आने वाली जिंदगी में आपको पछताना पड़ता है। आपको पछताना ना पड़े इसलिए ये वीडियो देखना आप सभी के लिए बेहद जरूरी है। तो शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहली गलती जो हम बचपन से करते आए हैं ज्यादातर लोग, और फिर आगे भी कंटिन्यू करते हैं, वो है अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रखना। ठीक है, 30 से पहले आपने हेल्थ का ख्याल नहीं रखा, विच इज ओके, चलो चल गया, तब भी रखना चाहिए था, बट नहीं भी रखते हैं तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। 30 के बाद आपके बॉडी में चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं, और अगर उसके बाद भी आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रखते, आपकी जो दिनचर्या है, जो आपका लाइफस्टाइल है, आप वैसे ही रखते हैं, वही कंटिन्यू करते हैं जो अभी तक था, तो यहाँ से आपको दिक्कतें पैदा होनी शुरू हो जाती हैं। अब आपको अपनी लाइफ में प्रॉब्लम झेलनी पड़ेंगी, फिजिकल इश्यूज, बॉडी के इश्यूज, आपको बीमारियां होने लग जाती हैं इस एज के बाद। तो जरूरी है कि अभी तक आपने अपनी हेल्थ को कितना भी इग्नोर क्यों ना किया हो, अब से आप अपनी हेल्थ पर ध्यान दें, उसका पहले से ज्यादा ख्याल रखें, वरना आप आने वाली एज में पछताने वाले हैं जब आपको बीमारियां घेर लेंगी। दूसरी चीज जो हम सबके लिए बहुत जरूरी है कि इन्वेस्टमेंट करना शुरू करें। ज्यादातर लोगों में क्या है, आज भी हम लोगों में है एक चीज है कि हम इन्वेस्ट नहीं करते, कभी किया नहीं, सीखा नहीं, आज भी हमें उसकी वैल्यू नहीं पता। फ्यूचर के लिए अपने आप को प्रिपेयर रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि फ्यूचर अनप्रेडिक्टेबल है। आपको नहीं पता था ना कोरोना हो गया था, कितना कुछ झेला, आप कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते क्या होने वाला है। अपने बुढ़ापे को, अपने आने वाली एज को सिक्योर करने के लिए इन्वेस्टमेंट अभी से करना शुरू कीजिए। ये एक हैबिट है जो आपको डालनी पड़ेगी, बट इन्वेस्टमेंट ऐसा नहीं कि आंखें बंद करके कहीं पर भी, वो वाली बात नहीं है। वो एक सीखिए, लोगों की हेल्प लीजिए, फाइनेंशियल एडवाइस लीजिए, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे करना है। चाहे आप 500 से ही शुरू करें, बट कीजिए, ये बहुत जरूरी है। अगर आज भी नहीं किया ना, इस एज में भी नहीं किया, तो फिर आप पछताते ही रह जाएंगे। ये हाई टाइम है इन्वेस्टमेंट शुरू करने का, इससे ज्यादा लेट आप नहीं कर सकते। थर्ड जो मिस्टेक होती है मैनी टाइम, वो ये कि इस एज में ना आप मैनी टाइम अपनी जॉब से इतना फेड अप हो जाते हैं कि बिना सोचे समझे छोड़ देते हैं कि छोड़ मैं नहीं कर रहा। डोंट डू दिस। आप अगर एक जॉब में हैं बहुत लंबे टाइम से और इस एज में हैं, तो बिना सोचे समझे अपनी जॉब को ये छोड़ के ना चले जाएं गुस्से में या फेड अप होके। एक प्लानिंग होना जरूरी है, क्योंकि अब आप पे इतनी एज नहीं बची कि आप इधर उधर फुदकते रहे जॉब के नाम पर। प्लान कीजिए, हाँ जी छोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है एक मोनोटोनस जॉब करने की जिसमें आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है, जिसमें आप परेशान हैं, मत कीजिए। बट छोड़ने से पहले एक वेल प्लान आप पे होना चाहिए कि जॉब छोड़ने के बाद आप क्या करेंगे, कितने महीने तक आपको सर्वाइव करना है विदाउट इनकम, वो सर्वाइव आप कैसे करेंगे, कहाँ पर जॉब करेंगे, क्या प्रिपरेशन करेंगे, ये सब कुछ प्लान बनाइए। अगर आप जॉब छोड़ने के चक्कर में हैं तो सडन डिसीजन मत लीजिएगा, जोश में आके होश मत खोना। फोर्थ एंड बहुत बड़ी मिस्टेक जो इस एज में करते हैं, जो बहुत सारे क्लाइंट से बात करके मुझे समझ में आता है, कि 30 तक आते आते ना अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो थोड़े से आप डेस्परेट हो जाते हो शादी के लिए, कि यार इस एज तक भी शादी नहीं हुई, फिर कब होगी, अब तो मेरी एज निकलने लगी है। तो इस एज में क्या होता है, आपको लगता है कोई भी मिल जाए, आपके अगर रिश्ता आ गया वो इंसान आपको पसंद भी ना हो ना, तो भी आप अपनी पसंद को भी वैल्यू नहीं देते। आपके लिए इतना ही काफी होता है कि वो सामने वाला जो रिश्ता आया वो लड़का है या फिर वो लड़की है, इतना बहुत है आपके लिए। आप कुछ सोचना ही नहीं चाहते, क्योंकि आपको बस अब अपनी गृहस्थी बसानी है, बच्चे करने हैं, फैमिली बड़ी करनी है, क्योंकि आपको लग रहा है एज निकल रही है। इस जल्दबाजी में
इस एज में आप अक्सर गलत इंसान से शादी कर लेते हैं, तो ये जल्दबाजी मत कीजिए। आप 30 के अराउंड हैं, ठीक है, लेकिन ये मत सोचिए कि शादी की एज निकल गई। अगर इस चक्कर में रहेंगे तो एक गलत इंसान को आप चूज कर लेंगे। ये भी देखिए आगे, अभी बहुत लंबी लाइफ पड़ी है, अभी तो आधी जिंदगी पड़ी है ना आगे। अगर एक गलत इंसान जुड़ गया आपसे, आप नहीं निभा पाए, तो 2 साल बाद 3 साल बाद डिवोर्स हो जाएगा। फिर क्या होगा? फिर तो लाइफ और खराब हो गई ना, फिर तो टैग लग जाएगा डिवोर्सी का। या फिर आपने शादी तो निभा ली लेकिन आप हैप्पी नहीं है उस इंसान के साथ, तो पूरी जिंदगी काटना कितना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ये मत सोचिए कि शादी नहीं हुई तो कभी नहीं होगी। ये सोचिए कि अगर इस एज में भी गलत इंसान से शादी हो गई तो फिर अपनी गलती को सुधारने के लिए टाइम नहीं है आपके पास, एक्सपेरिमेंट करने के लिए टाइम नहीं है। तो जहां आपने 4-5 साल लिए हैं, 1-2 साल और ले लीजिए, लेकिन बेचैन मत होइए, उतावले मत होइए, पागलपन मत दिखाइए शादी के लिए, चाहे आप लड़के हो चाहे आप लड़की हो। शादी आप जब करें तो जरूरी है उस इंसान के साथ आपने टाइम बिताया हो, बात की हो, और वो आपको पसंद हो, आपकी अंदर से इच्छा हो, उसके अंदर आपको ऐसा लगता हो कि यही मेरा लाइफ पार्टनर है, वो फील आना चाहिए, तभी आप शादी करें। ये मत सोचे कि यार अपनू तो है, बदतमीज है, मेरी इज्जत नहीं करता और बात तो नहीं करता और मजबूरी में मेरे शादी कर रहा है, बट कोई बात नहीं, मेरी भी तो मजबूरी है ना, निभा लेंगे। ये पॉइंट ऑफ व्यू से शादी करेंगे ना तो अपनी लाइफ बर्बाद करेंगे। करते हैं बहुत सारे लोग ऐसा, इसलिए मैं बोल रही हूँ, तो डोंट डू दिस। इसके साथ ही इस एज में जरूरी है कि आप थोड़े मैच्योर बने। आई बिलीव इस एज तक आते आते आप मैच्योर हो ही चुके होंगे, बट अगर वो मैच्योरिटी नहीं आई है तो आप लेकर आइए। कौन सी मैच्योरिटी? वो ये कि फालतू में अपने रिश्तों में ना झगड़ों में ना पड़े। अगर आप शादीशुदा हैं या फिर आपकी गर्लफ्रेंड है या फिर बॉयफ्रेंड है, लोगों से आप जुड़े हुए होंगे, होता क्या है आप फालतू के रिश्तों के झगड़ों में पड़ जाते हैं। उसने ऐसा बोल दिया, उसने ब्लेम कर दिया, तो आपने भी कुछ बोल दिया, आप उन्हीं झगड़ों के इर्द गिर्द घूमते हैं और उसकी वजह से आपकी लाइफ खराब होने लगती है, आपका दिमाग खराब होने लगता है, फिर उसका इम्पैक्ट आपके जॉब पे पड़ता है। ये सब साइड कीजिए। देखिए, पार्टनर के साथ में झगड़े होना, आर्ग्यू होना बहुत नॉर्मल चीज है, इस चीज को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस आपको देने की जरूरत नहीं है। ये हर घर में होते हैं, छोटी मोटी चीजें हैं, बिना गलती के भी सॉरी बोल के उन चीजों को साइड कीजिए। लाइफ में बहुत बड़े बड़े इश्यूज हैं जिसके बारे में सोचने की जरूरत है। जिंदगी में आगे कैसे बढ़ना है, पैसा कैसे कमाना है, खुश कैसे रखना है लोगों को, खुद कैसे खुश रहना है, थोड़ा घूम आइए, फैमिली के बारे में सोचना, ये बहुत बड़े इश्यूज हैं। बजाय इसके कि कल तुमने मुझे उल्टा बोल दिया था, कल तुमने सब्जी अच्छे से नहीं बनाई थी, तो मैं 2 दिन से अच्छे से खाना नहीं खाया है, तो तुम ऐसे तू मैं क्यों कर रही हो, इन सब चीजों को साइड कर दीजिए, ये ज्यादा बड़े इशू है नहीं। तो रिश्तों में आर्ग्यूमेंट को सेकेंडरी रखिए, इंसान को, उस रिश्ते को प्रायोरिटी दीजिए। इतनी मैच्योरिटी इस एज में आकर दिखाना बनती है। इस एज में भी अगर आप वो घर गृहस्थी के छोटे छोटे झगड़ों में पड़े रहोगे तो मेजर इश्यूज आपकी लाइफ से सेकेंडरी हो जाएंगे, वो आपकी लाइफ में आ नहीं पाएंगे, आप उन पर काम नहीं कर पाओगे और आपकी लाइफ में प्रोग्रेस नहीं हो पाएगी। तो लाइफ की प्रोग्रेस पर ध्यान दीजिए, ना कि घरेलू छोटे मोटे झगड़ों पर। रिश्ते ज्यादा जरूरी होते हैं और उनको संभालने के लिए चुप होकर रहना कभी कभी जरूरी हो जाता है, विच इज ओके। सो ये वो गलतियां हैं जो हमेशा से करते आए हैं, लेकिन 30 वो एज है जहां पर इस गलती को रिपीट करना हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। ये भी एज है जहां पर हमें अपनी इन गलतियों को सुधारने की जरूरत है, वरना इससे हमारी लाइफ, आगे आने वाली जिंदगी है उस पर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये हाई टाइम है जहां पर आपको ये सब चीजें खत्म कर देनी है, अपने आप को इम्प्रूव करना है। सो अगर आप इस वीडियो से कहीं तक कनेक्ट कर पा रहे हैं, अगर आप 30 या 30 प्लस है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी। इसी उम्मीद के साथ मैं विदा लेती हूँ। बाय बाय, टेक केयर।